ये है इसका कंप्रेसर, तो इसको यहाँ कॉन्ट्रेक्टर डायरेक्ट पंच करने के बाद में ऐसा आवाज कर रहा है। इसका पंपिंग गया हुआ है, ऐसे आवाज कर रहा है। तो कंप्रेसर ग्राउंड है इसका, हम लोग करने वाले हैं चेंज और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। रेड वाला आर, व्हाइट वाला वाई, ब्लैक वाला बी, कंप्रेसर का वायर। ये अभी कंप्रेसर हम लोग खोल लिए हैं, अभी मशीन से निकालेंगे। सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों खुल गया है। ये दोनों डाइकिन का कंप्रेसर आ गया है, अभी इसको करने वाले हैं हम लोग चेंज। ये वायरिंग कर दिए हम लोग कंप्रेसर का, जॉइंट से पहले चालू करके चेक करना चाहिए, इसलिए चालू कर रहे हैं हम लोग। ये देख सकते हैं वायरिंग उल्टा रहेगा तो फिर कैसा रिएक्शन करता है, और सही रहेगा तो फिर अच्छा है। देखें ये वायरिंग उल्टा है, और उल्टा होने की वजह से ऐसा आवाज़ करता है। तो इसको जॉइंट मारने से पहले चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। कंप्रेसर का वायरिंग है, ये आर है, रेड वाला आर, वाइट वाला वाई, बी ब्लैक वाला ब्लू, और ये कंप्रेसर का मॉडल है। अभी हम लोग इसको चालू करके चेक करेंगे। ये लगा के प्लस मार, ये अभी बराबर है मशीन। न्यू कंप्रेसर जॉइंट कर रहे हैं, अभी कंप्रेसर जॉइंट हो गया है। लीक टेस्ट करेंगे, चेक कर रहे हैं कंप्रेसर जॉइंट करने के बाद। अभी मशीन गैस चार्जिंग कर रहे हैं। ये दोनों आउटडोर का कंप्रेसर लगाए हम लोग, अभी ओके हो गया, चल रहा है फर्स्ट क्लास।